आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे ग्रीस का वीजा का प्रोसेस क्या है, उसका वीजा कैसे मिलता है, डॉक्यूमेंट्स क्या है, घर बैठे कैसे अप्लाई कर सकते हैं, किन चीजों का ध्यान रखना है जिससे वीजा मिले, किन चीजों से बचना है जिससे वीजा रिफ्यूज हो जाता है। छोटी सी वीडियो है, 3-4 मिनट की, इसको देखिए, आपको एकदम से पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। और आप ग्रीस वीजा खुद लगा रहे हैं तो समझ जाएंगे किन चीजों का ध्यान रखना है, और किसी और से भी लगवा रहे हैं तो भी आपको पूरा प्रोसेस पता रहेगा कि क्या हो रहा है। तो ग्रीस जो है बहुत ही सुंदर देश है, मतलब रिमार्केबली ब्यूटीफुल कंट्रीज है, दुनिया भर के आइलैंड्स है ग्रीस के अंदर, हनीमूनर्स में बहुत फेमस है, फैमिली ट्रिप्स के लिए बड़ा फेमस है। उसके अलावा भी कपल्स वगैरह तो जाते ही हैं, लेकिन काफी सारे सोलो ट्रैवलर्स भी ग्रीस में हर साल जाते हैं। ग्रीस जो है वो शेंगेन एरिया भी है, यूरोपियन यूनियन का एरिया भी है, उनकी इकोनॉमी रिकवर करने लगी है, और उसका जो सक्सेस रेशियो भी है वो भी हम इस वीडियो में जाने वाले हैं। काफी सारे लोगों को लगता है कि ग्रीस जाना उनके लिए एक बहुत ही इनसाइटफुल एक्सपीरियंस रहेगा, बिकॉज ग्रीस एक तरह से गेटवे ऑफ यूरोप भी है, और आप वहां पर जाकर देखेंगे तो आपको माउंटेन से लेके बीचेस तक, आइलैंड से लेके मॉडर्न सिटीज तक, सारा कुछ एक प्रेजेंटेशन कंप्लीट पैकेज का ग्रीस में देखने को मिलता है। तो ग्रीस में हम जानते हैं प्रोसेस क्या है, जिसका लिंक आपकी स्क्रीन पे आ रहा होगा, बट अगेन इस लिंक पे अभी नहीं जाना है, पहले आपको समझना है कि करना कैसे है। आधी अधूरी इन्फॉर्मेशन के साथ जाएंगे तो फिर वीजा रिफ्यूज हो जाएगा। आप अगर पहले से हमारे दर्शक हैं तो आप जानते होंगे क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, बट फिर भी हम रिव्यू कर लेते हैं। 6 महीने के अकाउंट स्टेटमेंट, 2 से 3 साल की टैक्स रिटर्न, बिजनेस करते हैं तो उसके प्रूफ, GST वगैरह या कोई और ट्रेड लाइसेंस है, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट वगैरह जो भी आपके पास है उसको लगाएं, जॉब करते हैं तो कंपनी से NOC लेटर लें, ये हो गया मिनिमम जो आपको चाहिए प्रोफेशनल और फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू के लिए। उसके अलावा अगर आपकी कोई इन्वेस्टमेंट है, कोई फिक्स्ड डिपॉजिट्स है, या आपने कोई प्रॉपर्टी वगैरह पे इन्वेस्ट किया हुआ है तो चाहे तो उसके डॉक्यूमेंट भी लगा सकते हैं। नेक्स्ट आ जाता है कि भाई आप ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स में क्या लगाएं, आपकी ट्रैवल आइटनरी ग्रीस में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दूसरा, आपके होटल वाउचर रिजर्वेशन, आप होल्ड रिजर्वेशन लगा सकते हैं, फ्लाइट की भी होल्ड रिजर्वेशन लगा सकते हैं, ट्रैवल इंश्योरेंस वो मैंडेटरी है। अब जानते हैं उस इन्फॉर्मेशन के बारे में जिसको आपको बहुत ध्यान रखना है ताकि आपका वीजा मिले, यानी अप्रूवल रेट हाई रहे, और उन चीजों का भी जानते हैं जिनको आपने बहुत ध्यान रखना है जो आप ना करें जिससे रिफ्यूजल रेट ना जाए। अगर आपका पास्ट में शेंगेन वीजा रिफ्यूज हुआ है तो आपको उसका ब्यौरा देना चाहिए। अब ये देखिए, मेरी तरफ से पर्सनल एडवाइस है, हमेशा देना चाहिए ग्रीस में अगर आप अप्लाई कर रहे हैं। आपका उससे पहले जर्मनी का, फ्रांस का, कहीं का भी रिफ्यूजल हुआ है, एक्सप्लेन करें उसको। ग्रीस में खासतौर से 3 साल की ITR लगाएं, चाहे तो 2 साल की भी लगा सकते हैं, बट मेरी तरफ से पर्सनल सजेशन रहेगा ग्रीस में 3 साल की ITR जरूरी है। नेक्स्ट, ग्रीस के अप्लाई करते वक्त आपको अकाउंट बैलेंस अपना काफ़ी अच्छा दिखाना चाहिए। आप देखिए, फ्रांस में अप्लाई करें, स्पेन में, स्विट्जरलैंड में, नीदरलैंड्स में, इनमें अकाउंट बैलेंस कम भी हो तो भी बात बन जाती है। ग्रीस में अकाउंट बैलेंस थोड़ा सा ज़्यादा होना चाहिए आपकी प्रोफाइल के हिसाब से। मान लेते हैं अगर आपकी सैलरी 50,000 है तो उस केस में अगर आप सिंगल हैं तो आपका अकाउंट बैलेंस कम से कम 5-6 लाख का होना चाहिए, और अगर आप फैमिली के साथ रहते हैं तो 4-4.5 लाख का मिनिमम होना चाहिए, और अगर आपकी इन्वेस्टमेंट है तो वो एक एडिशनल सप्लीमेंट्री डॉक्यूमेंट के रूप में यूज़ हो सकता है। इन सारी चीज़ों को अगर आप ध्यान में रखेंगे तो आई एम वेरी मच श्योर आपको वीज़ा मिलने के चांसेस अच्छे रहेंगे। कोई भी लास्ट मूवमेंट पे अपने अकाउंट में कोई भी छेड़छाड़ ना करे, ग्रीस आपके अकाउंट स्टेटमेंट को सीरियस लेगा, तो लास्ट मूवमेंट पे बहुत ज़्यादा लार्ज डिपॉजिट या बहुत बड़ा लार्ज विड्रॉल एकदम से ना करें। और उसके अलावा अगर आप मैरिड हैं तो फैमिली के डॉक्यूमेंट्स लगाना भी साथ में उतना ही मैंडेटरी हो जाता है। ये सारे डॉक्यूमेंट्स आप जो अपॉइंटमेंट आपने बुक कराई है उस पर जाएं और अपना ये सारे डॉक्यूमेंट सबमिट कराते हैं। जो शुरू में लिंक आया था उसमें जाके प्रोफाइल बना के जो भी आपका एरिया है, डेट है, आपके कन्वीनियंस के हिसाब से जो आपको डेट ठीक लगती है अपॉइंटमेंट की वो लीजिए, वहां पर आपके बायोमेट्रिक्स लिए जाएंगे और यही से सारे डॉक्यूमेंट्स वहां सबमिट होंगे। इसमें कवर लेटर, ओरिजिनल पासपोर्ट तो आपके लगेंगे। कवर लेटर कैसे बनता है इसके ऊपर एक कंसोलिडेट वीडियो इसी चैनल पर आप जाके उसे चेकआउट कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है इस वीडियो से आपको काफी इंसाइटफुल इन्फॉर्मेशन रही होगी, और इस सारी इन्फॉर्मेशन का यूज करके आप खुद आराम से वीजा लगा सकते हैं। आपको हमारे पास भी आने की कोई जरूरत नहीं है, बट अगेन अगर आप हमारी सर्विस लेना चाहते हैं तो नेचुरली वी विल वेलकम यू। अपना समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत जल्द फिर मिलेंगे। बाय बाय।